खबर बाराबंकी रामनगर से है, जहां एक तरफ योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में गौ हत्या को पाप मानते हुए इस जघन्य अपराध को रोक लगाई थी, वहीं दूसरी तरफ गौशालाओं में गायों की ठंड में तड़फ तड़फ कर मौतें हो रही है। ताजा मामला रामनगर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिलौटा गौशाला का है, जहाँ इस भीषण ठंड में मवेशी ठिठुरते नजर आए। इतना ही नहीं, अंदर बंद सैकड़ों मवेशियों को सिर्फ सूखा भूसा ही दिया जाता है। हमारे स्थानीय संवाददाता ने जब ग्रामीणों की शिकायत पर जायजा लिया तो कई मृत मवेशियों को त्रिपाल के नीचे छिपा कर रखा गया था। इतना ही नहीं, गौशाला को ही कब्रगाह बना दिया गया है। एक तरफ मवेशी तड़फ तड़फ कर मरते हैं, दूसरी तरफ गौशाला में ही दफन होते रहे। इस भीषण ठंड में मवेशियों के लिए न तो टाट की व्यवस्था है न ही अलाव की, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर करोड़ों खर्च करने के बाद भी बनी गौशालाओं में गायों की रक्षा सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? मृत जानवरों की शिकायत रामनगर उपजिलाधिकारी से की गई, लेकिन मौके पर खबर लिखे जाने तक कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचा। गौशाला की सच्चाई छुपाने के लिए डीएम के नाम से एक बोर्ड बनवाया गया है, जिस पर लिखा गया है किसी भी व्यक्ति को गौशाला में प्रवेश नहीं है, जिससे गौशाला में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इतना ही नहीं, खबर कवरेज करने गए एक पत्रकार को ग्राम प्रधान राम विनोद यादव के द्वारा धमकी दी गई।